बैठी बीजेपी हो या फिर हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, सियासी विरोधी इन दोनों संगठनों को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम करते रहे हैं और बीजेपी आरएसएस का डर दिखाकर वोट बटोरते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी शासित मोदी सरकार इन सभी आरोपों से बेखबर होकर सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करते हुए मुस्लिम समुदाय को भी साथ लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस भी मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने में जुटा हुआ है और इस काम में आरएसएस की मदद कर रहे खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जरूरी नहीं कि मुस्लिम भी जय श्री राम बोले। सियासी विरोधी भले ही आरएसएस को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम करते रहे हों, लेकिन आरएसएस हमेशा मुस्लिमों को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। तभी तो आरएसएस ने मुस्लिमों के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम से एक संगठन का निर्माण किया और आजकल तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम हस्तियों से संवाद पर जोर दे रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अलीगढ़ के पूर्व वीसी जमीरुद्दीन शाह, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवोई कुरैशी से मुलाकात भी कर चुके हैं, तो वहीं हाल ही में दिल्ली के एक मदरसे में जाकर छात्रों से संवाद करते हुए भी नजर आए थे। मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ने की मोहन भागवत की इसी मुहिम को अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि हाल ही में अलीगढ़ जिले के दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पहली बार आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ और ईवीपी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनके साथ चर्चा करते नजर आए के मुस्लिम समाज के लोग आरएसएस के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। इस अहम बैठक में सीएम योगी ने कहा, मुस्लिम समाज को आरएसएस के साथ जोड़ने के लिए प्रयास होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम जय श्री राम बोले, मगर वो संघ से जुड़कर संगठन के लिए काम करे। अलीगढ़ जैसे शहरों में मुस्लिम को संगठन से जोड़ना जरूरी है। उन्हें हमारे द्वारा और हमारी सरकार द्वारा उनके हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी हो, तभी सबका साथ सबका विकास की सार्थकता साबित होगी। खास बात यह है कि एक घंटे चली इस बैठक के दौरान किसी को कमरे में आने की अनुमति नहीं थी। बीच बैठक में सिर्फ प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, इसके अलावा किसी को नहीं आने दिया गया। हिंदूवादी संगठनों के साथ संवाद के दौरान सीएम योगी ने इस बात पर खास जोर दिया कि कोई भी मुस्लिम अगर आरएसएस से जुड़ना चाहता है तो इसके लिए जरूरी नहीं कि वो जय श्री राम बोले, बल्कि संघ से जुड़कर समाज के लिए काम करे। सीएम योगी ने जय श्री राम के नारे का खास तौर पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि समाज में पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब मुस्लिमों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। ऐसे हिंदूवादी संगठनों को सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में नसीहत दे दी कि मुस्लिम समुदाय को आरएसएस से जोड़ने के लिए उनसे जय श्री राम बुलवाना जरूरी नहीं है। मुस्लिमों से क्या है योगी का रिश्ता? सियासी विरोधी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और भगवादारी महंत योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी बताकर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर सीएम योगी के मन में क्या है, ये बात तो उन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव में ही बता दी थी। जब एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि मेरा वही रिश्ता मुसलमानों के साथ है जो उनका रिश्ता मुझसे है। इतना ही नहीं, इसी विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी का एक और बयान खूब सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने कहा था, मेरा वही रिश्ता है मुझसे उनका जैसा व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन इसी दौरान सीएम योगी ने ये बात भी साफ कर दी थी कि देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को संविधान दिया है। देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, ये व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता, संविधान से ही चलेगा देश। गजबा ए हिंद का सपना कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा, आज फिर मैं कह रहा हूँ, गजबाए हिंद का सपना देखने वालों के लिए सीएम योगी के दिल में सिर्फ नफरत है, जबकि देश से प्यार करने वाले मुसलमानों के लिए सीएम योगी के दिल में प्यार है, और ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी। यही वजह है कि उनकी सरकार में एक मुस्लिम मंत्री को भी जगह दी गई। युवा नेता दानिश आज़ाद अंसारी को योगी सरकार ने मंत्री बनाकर अपनी सरकार में जगह दी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से सीएम योगी के मुस्लिम विरोधी छवि गढ़ी जाती है,
इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि जिस तरह से सीएम योगी ने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस से जुड़ने के लिए मुस्लिम जय श्री राम बोले, उनके इस बयान से आप कितने सहमत हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।